20 हो रहे हैं। नहीं टाइम निकल गया थोड़ा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन हम कर रहे हैं मंजमात का। एक नज़म हमने कर ली थी, अब हम दूसरी नज़म पे आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की बरसात का तमाशा। बरसात का तमाशा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, इसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ब्लैंक्स पूछूंगी। जी नौसेबा, नज़ीर अकबर आबादी की विलादत किस सन में हुई? नो जी 1735, ठीक है। और वफात का सन 1830। नज़ीर अकबर आबादी का नाम असल क्या था, असल नाम क्या था? वली मोहम्मद। और तखल्लुस वो क्या इस्तेमाल करते थे? नज़ीर, नज़ीर ज़ेल ज़ाल वाला या ज़ोए वाला? ज़ोए वाला। और वो ज़ाल वाला है वो मुसनिफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी किस शहर में पैदा हुए, हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली, ठीक। नज़ीर अकबर आबादी को डैश शायर भी कहा जाता है, अवामी शायर, ठीक है। उनकी तीन मशहूर किताबों के नाम बताइए। एक बंजारा नामा भी है जो छोटी क्लास में अमूमन 7 या 6 में सिंध गवर्नमेंट की बुक में है मौजूद। बंजारा नामा, हंस नामा, आदमी नामा, बरसात की बहारें, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। ये अकबर आबादी क्यों कहलाए? सही, बिल्कुल अच्छे सवालात हैं। खुर्शीद किस तरह घर से निकला है? खुर्शीद किसे कहते हैं? सूरज। खुर्शीद किस तरह घर से निकला है? गर्म होकर। खुर्शीद गर्म होकर घर से निकला है। इस नज़म में सबा के कासिद से क्या मुराद है? सबा के कासिद, सबा किसे कहते हैं? और कासिद समंदर की ठंडी हवा, ठीक है। और कासिद पैगाम पहुंचाने वाला। तो हवा क्या लाती है? बरसात की होने की खबर लाती है, पैगाम लाती है, खुशी की खबर लेकर आती है। हवाएं चलती हैं बरसात होने से पहले, तो वो हमें मुतला करती हैं कि बरसात होने वाली है। सबा ने कोह दश्त और सहरा में क्या नवी सुनाई? कोह दश्त और सहरा में क्या नवीद सुनाई? नवीद मीन्स खुशखबरी। क्या खुशखबरी सुनाई? हाँ, बारिश की सहरा में, कोह दश्त में, चूंकि सहरा में बारिश कई कई अरसे के बाद होती है, इसलिए वहाँ की हर चीज़ बारिश की मुंतज़िर होती है। इसलिए सबा ने हर तरफ जाकर ये खुशखबरी सुनाई कि बारिश होने वाली है। कौन कौन से जानवर बरसात से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे? इस नज़म में जिन जानवरों का ज़िक्र किया गया है वो बताएं जो बरसात से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे। और हैं, कोयल है, पपीहे हैं, कोकला है, ये सब परिंदे। कोयल परिंदा है, पपीहा भी परिंदा है, कोकला भी परिंदा है, मोर भी परिंदा है, और बगले भी परिंदे हैं। ये सारे परिंदे, जानवरों के जो नाम ये हैं, वो सब बरसात से, इस नज़म में बरसात में लुत्फ़ उठा रहे थे। साख्त के लिहाज से इस नज़म का क्या नाम है? साख्त,
हेयत बनावट, यानी ये कौन सी वाली नज़, हाँ वो वाली, ये किस कितने मिस्रों वाली है और क्या कहलाती है? नहीं, छः नहीं है, छः बंद नहीं है। कितने मिस्रों वाली ये नज़म है, इसके एक बंद में कितने मिस्रे हैं और क्या कहला, पांच है ना, तो क्या कहलाती है? मुसद्दस तो छः मिस्रों वाली नज़म को कहते हैं। वो हमने पिछले सबक में एक नज़म पढ़ी थी, कौन सी नज़म पढ़ी थी जिसके अंदर छः मिस्रे थे, उसकी हैत मैंने पूछी थी कि हैत के अतबार से कौन सी काम लिखवाया था, शायद ये वाली नहीं है, ये वाली, गर्मी की शिद्दत। गर्मी की शिद्दत में एक सवाल था, इस नज़म की हैयत बताइए, ठीक है, मैंने पूछा था इस नज़म की हैयत बताइए का मतलब है कि ये कौन सी नज़म है, कितने मिसरों वाली बंद की नज़म है, तो ये छः मिसरों वाली थी ना, तो इसकी हैयत ये हुई कि ये छः मिसरों वाली, चूँकि छः मिसरों वाली बंद की नज़म है इसलिए इसे मुसद्दस कहते हैं। अब ये बरसात का तमाशा पांच मिसरों वाली बंद की नज़म है इसलिए इसे मखम्मस कहते हैं। मखम्मस का मतलब, खम्स का मतलब होता है चार, सॉरी पांच, खम्स का मतलब होता है पांच, अरबी में, अरबी अरबी में पांच जो है वो खम्स को पांच कहते हैं, इसलिए इसके पांच मिसरे हैं, इसलिए ये मखमसी नज़म कहलाती है। तो इसकी हैयत या बनावट या साख्त इसकी क्या होगी? मखमसी नज़म। आप बरसात से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? बारिश का मज़े मज़े लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, गर्म गर्म और ताज़ा ताज़ा पकवान बना के खाए जाते हैं, गर्म गर्म चाय कॉफ़ी ये पी जाती है, गर्म गर्म पकौड़े बना के खाते हैं, हम इस तरह से बरसात का लुत्फ़ लेते हैं। ये ओपन हैंडेड है, जो भी करता है वो अपना अपना जवाब लिखेगा। अच्छा अब बताएं कसीरुल इंतखाबी, ऑप्शंस बताऊंगी, इसमें जवाब सही बताना है। बारिश की वजह से ताज़े ताज़े मौजूद हैं फल मेवे मिठाई पकवान, काली घटा से चिंगार रहे हैं, चिंगार रहे हैं हाथी मोर कोयल बगले। और मोर मस्त होकर जू कुकला चिंगारे, कुकला चिंगारे, यहाँ कुकला का नाम नहीं है, असल में कुकला चिंगा रही है लेकिन यहाँ पे नाम ही नहीं है ऑप्शंस में, तो यहाँ मोर ही आएगा। काली घटा में उड़ रही थी कोयलें बगले, बिजलियों और कुकलों, काली घटा में उड़ रही थी, बगले उड़ रही थी, ये लिखा हुआ है। काली घटा है हरदम बरसे है मी की धारें, काली घटा है और जिसमें उड़ रही है बगलों की सौ कतारें, उड़ रही थी बगलें। बगला वो होता है जिसकी जिसको वो बोलते हैं लंबी लंबी गर्दन, आपने आसमान में बहुत कम नजर आते हैं पाकिस्तान में, बाहर ममालिक में आता है ना, इनकी लंबी गर्दन होती है पतली पतली सी, सफेद उनके होते हैं बिल्कुल, और वो थोड़े से साइज में लंबाई में भी थोड़े बड़े होते हैं उससे, जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर तो थोड़ा मोटा सा छोटा सा होता है ना जिसामत में, वो थोड़े पतले और लंबे होते हैं, थोड़े से लंबे उससे कबूतर से, और थोड़ी उसकी गर्दन पतली होती है, बहुत पतली सी गर्दन होती है, थोड़ा पोंछ भी लंबी होती है, और एकदम वाइट कलर के होते हैं बगले। मैं उसमें देखें टीवी पे देखें, मतलब वैसे नहीं देखे रियलिटी में, होते ही नहीं यहाँ पे, नज़र ही नहीं आते, कोयल नज़र आती है और पपीहे भी नहीं देखे, पपीहे भी जो है मुनफरिद बहुत कम तादाद में, नहीं पपीहे जो है वाइट नहीं होते, वो दो तीन कलर के होते हैं, एक कलर नहीं होता उसका, लेकिन देखे नहीं है वो भी टीवी पे देखे। ये सब परिंदों के नाम है, कुकला और बगले और मोर, मोर तो खैर आम सा परिंदा है,
शुतुरमुर्ग, एक सारस होता है, आई थिंक मेरा ख्याल है सारस और बगले शायद एक ही को कहते हैं, सर्च करना पड़ेगा। सारस एक परिंदा है, उसके इसी का शायद नाम है उसका। अच्छा, सबा से मुराद है समंदर की हवा, बाग की हवा, सहरा की हवा या रेगिस्तान की हवा। बारिश में तैयार होते हैं फल, फूल, पकवान या लिबास। पकवान। अब यहाँ पे ना एक 70 अलिफ के अल्फाज को ना 70 बे से मिलाना है। ऊपर के मैं लफ्ज और नीचे के ना, मतलब चिंगार का बताएं किससे मिलाऊं, या नीचे अल्फाज में बता रही हूँ चिंगार को मैं किससे मिलाऊं। सहरा से, गरज, मी, हवा, मोर या घटा। चिंगारे, मोर बताया था ना आपने, मोर नहीं बताया था, चिंगारे मोर। हाँ, बादल। अब बादल को किससे मिलाऊं, सहरा से, गरज, मी, हवा, मोर या घटा। गरज, बादल गरजते हैं। दश्त, दश्त को किससे मिलाऊं, सहरा, गरज, मी, हवा, मोर, घटा। सहरा। सबा को किससे मिलाऊं, सहरा, गरज, मी, हवा, मोर, घटा। हवा। और धड़ी, सहरा, गरज, मी, हवा, मोर, घटा, झड़ी। मी बारिश को कहते हैं और झड़ी भी बारिश को कहते हैं, बारिश के बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा, राध, रे आइन दाल, ठीक है, राध। सहरा, गर्ज, मी, हवा, मोर, घटा, राध। नहीं, यहाँ पे ऊपर जो है ना पांच, एक दो तीन चार पांच छह दिए हुए, एक दो तीन चार पांच छह, हाँ छह, राध का क्या बचा, घटा, राध, गर्जा यहाँ लिखा हुआ है, घटा फिर बादल के साथ आ जाएगी, बादलों में घटा चाहती है और बादल गरजते भी हैं, दोनों ही हैं, तो हम बादल के साथ घटा को कर देंगे और राध गर्जा, राध बिजली को कहते हैं, तो बिजली गरजती है ना चमकती हो, उसको राध के साथ गर्जा, यहाँ लिखा हुआ भी है ये रहा। हो मस्त राध गर्जा, ठीक है, तो ये राध गर्जा है, बादल के साथ घटा लगेगा। नज़म किस, नज़म की डेफिनेशन क्या है। हाँ, नज़म की डेफिनेशन, नज़म किस, नज़म की तारीफ क्या है, नज़म कहते किसे हैं, एक होती है गज़ल, एक होती है नज़म, तो नज़म की क्या तारीफ, गज़ल की अलग है तारीफ, नज़म की अलग तारीफ है, नज़म की तारीफ क्या है, ये सब डेफिनेशंस में आ सकती हैं कोई से। मौजू की कोई कैद नहीं होती, ठीक, ये बोल सकते हैं हम, कोई भी मौजू ले सकते हैं, मौजू की कोई कैद नहीं होती इसमें। और एक और इसका वो है, तीन इसकी, इसकी पहचान है, मतलब इसकी तारीफ में हम तीन चीज़ें बयान करेंगे तब वो इसकी तारीफ होगी। नंबर एक, इसका एक मरकज़ी ख्याल होता है, ठीक है, गज़ल में ये नहीं होता, इसका एक मरकज़ी ख्याल होता है। नंबर दो, इसमें मौजू की कोई कैद नहीं होती, हम नज़म में कोई भी एक मौजू चूज़ करके पूरी नज़म लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, इसकी कोई हैयत मुकर्रर नहीं होगी, ये चार मिसरों वाली बंद की नज़म भी हो सकती है, पांच मिसरे वाली बंद की नज़म भी हो सकती है, छह मिसरों वाली बंद की नज़म भी हो सकती है, यानी दो मिसरों वालों से ज़्यादा, दो का तो अशार शेर होता है, दो मिसरों से ज़्यादा, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, जितने भी मिसरों की नज़म हो, इसमें यह हैयत की कोई कैद नहीं होती, ना ही इसकी कोई हैयत मुकर्रर होती है, कैसी भी मिसरों वाली बंद की नज़म हो सकती है, ये तीन चीज़ें हैं जो इसकी पहचान करती हैं। बंद किसे कहते हैं, बस एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, दो से ज्यादा मिसरों का मजमुआ, दो से ज्यादा मिसरों का मजमुआ जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए, जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए, जैसे हमने इसका एक बंद है पहला वाला पांच मिसरों का, हमने एक चीज़ बयान कर दी उसके अंदर,
खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, ये सब। दूसरे में हमने जो है उसका बता दिया, पकवानों का, खाने पीने का इसका। तीसरे का परिंदों का बता दिया, मतलब एक चीज़ मुकम्मल कर ली एक बंद में। तो ये बंद वो होता है जो दो से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल होता है, और इसमें कोई बात, इस बंद में कोई भी बात मुकम्मल कर ली जाती है। ये बंद की डेफिनेशन हो गई। मखम्मस किसे कहते हैं? छः नहीं, पांच। मखमस खम से निकला है, मुसद्दस सदस से निकला है। सदस छः को कहते हैं। ये गिनती है, आई थिंक अरबी की है। नहीं, अरबी की, फारसी की है शायद, फारसी जबान। ये गिनती है, खम्स, अरबा, सदस, ये गिनती मैंने पढ़ी है। तो उसके हिसाब से इसको मखमस यानी पांच मिसरे वाली नज़्म। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करना है। आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से, आई हवा भी लेकर। ये ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? ये लोग क्यों एंटर नहीं हो रहे हैं? शायद है कोई मसला तो नहीं? सब तो कुछ सही लगा है, इनको पता कैसे नहीं चल रहा है? लास्ट टाइमिंग तो वही है। हाँ, लिंक भी चला गया, क्लास टाइमिंग भी मालूम है सबको, फिर भी जो है वे तो सो रहे होंगे, या तो दो ही तो बच्चे आते हैं और वो भी सो रहे होंगे। सुफियान साहब तो वैसे ही देर से उठते हैं, शायान। चले छोड़ें, वो ले लेंगे रिकॉर्डेड क्लास अगर लेना चाहेंगे तो। मैट्रिक को मैट्रिक में आगे पता नहीं क्या हो जाता है, 9-10 में आगे एकदम चेंज हो जाती है। तो 8 तक, अब वो 8 हमारी क्लास है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अल्लाह कर अच्छी रहे। यहाँ तक आते आते वो एकदम पर निकल आ रहे हैं उनके, परिंदों की तरह पर निकल आ रहे हैं। आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से, किसको? हर कोह डैश को भी कहते हैं यूं सुनाकर, दश्त। जब ये नवीद पहुंची डैश में एक बारी, जब ये नवीद पहुंची डैश में एक बारी, सहरा में एक बारी, हो मस्त डैश गर्जा कोयल की कूक आई रात। अब तशरी बताएं कि इसका सबसे अहम जो बंद है ना, ये वाला है पहला, इसी की तशरी बताएं। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से। किताब देख सकती हैं आप, उसमें बंद देख के फिर तशरी बता सकते हैं। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश दर से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे असाड़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। मशरिक से चलने वाली हवाएं। हाँ, सही है। अच्छा,
लेसन बंद वो ऐसा देते हैं कि आसान कभी भी बंद नहीं देंगे एग्जाम में। जैसे ये बहुत आसान है, जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, ये तो इतना आसान है कि हर कोई कर लेगा बच्चा। दूसरा ये वाला भी बहुत आसान है, कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर। इसके चारों मिसरे ऐसे हैं कि हर कोई बच्चा कर सकता है, जिसने याद नहीं भी किया होगा तब भी ये तशरीह कर लेगा। तीसरा बंद भी बहुत आसान है, सावन के बादलों से फिर आग घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत, ये भी बच्चे कर सकते हैं। तो वो देखते हैं मुश्किल सा कोई जो नज़म में बंद होता है उसको तलाश करते हैं और वो एग्ज़ाम में देते हैं। वो शेर शाज़ो नादिर कोई आया हो तो आया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम पूरा अगर पिछला पुरानी किताब का भी उठा के देख लेंगे ना, 10 ईयर और पुरानी किताब मौजूद है आपके पास, तो आप उसको टैली करके भी देख सकते हो। वो वाला शेर वो नहीं देते जिसमें के तखल्लुस इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि वो एक नंबर तो शायर का नाम ही का देते हैं, एक नंबर शायर का नाम है तो बच्चे पहचान लेंगे, एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो दिल खोलना चाहे, दिल खोल के देना चाहे ना नंबर, तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि वो शेर बहुत अहम है और उसमें तखल्लुस भी है, तो वो दे देते हैं और एक नंबर ऐसे ही बांट देते हैं, समझ लो दे भी देते हैं कभी कभार, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है कि वो शेर नहीं देते। जैसे मैंने नसर का आपको बताया था, मजामीन में से ज़्यादा आते हैं या फिर अफसाने में से आते हैं, ड्रामे में से बहुत कम आता है। ड्रामे में कोई ऐसा पैराग्राफ बड़ा होता ही नहीं है, जुमले तो हो जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन पैराग्राफ ऐसा कोई मौजूद नहीं होता है जिसकी वो तशरीह करने को दें। ड्रामा आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, और फिर इसमें नाम होते हैं, मुकालमात होते हैं, तो वैसे ही बच्चा पहचान लेगा कि कहाँ से लिया हुआ है, किसका है ये वो, तो वो भी नहीं देते। शुरू के 5 जो मजामीन है ना, उनमें से बहुत ज़्यादातर वही आते हैं। पहला जो मजमून है, उम्मीद की खुशी है, इसका रिश्ता नाता है, नज़रिया पाकिस्तान है, कौमी हमदर्दी अहम है बहुत, और पहला है रसूल अल्लाह सल्लम के अखलाक, वहाँ से लाइन दे देते हैं उठा के। तो इस तरह ये पहचान होती है कि वो कहाँ से, उनका माइंड भी हमें पढ़ना होता है कि वो किस तरह का देंगे। अफसाने हैं जैसे, उसमें जैसे ये असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये ऐसा है इसमें से लाइनें बहुत निकल सकती हैं तशरी के लिए, ऐसी ऐसी अहम लाइनें होती हैं। और जैसे बूढ़ी काकी है, उसका पैराग्राफ असर पारे आ सकते हैं, अफसाने में से आ जाते हैं। जब सियाना बादशाह, वो बहुत आसान है, उसमें से बहुत मुश्किल है कि कोई लाइन वहाँ से ले, कहानी है वो तो सबको पता है, वो सब लिख देंगे, ऐसी चीज़ वो देते ही नहीं। तो ये पहचान होती है इनकी कि वो क्या बना सकते पेपर, जिसकी वजह से हम लोग भी गैस पेपर बनाते हैं ना, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख कर बनाते हैं। पिछली दफ़ा जब ये आया था दुनियाए इस्लाम का, मैंने ये जो पूरी बंद पढ़ा था, नज़म पढ़ी थी दुनियाए इस्लाम ना, मुझे जितनी भी नज़में हैं ना, सबसे अहम यही लगी थी जब मैं गैस पेपर बनाया। ये मैंने कहा अल्लामा इकबाल की नज़म बहुत अहम है, इसी में से मुझे लगता है कि बंद आएगा, तो मैंने गैस पेपर में इनको जो 3 या 4 बंद दिए थे ना कि इसकी तैयारी पहले कर लीजिएगा आप लोग, उन्होंने तैयारी करी और आखिरी उन्होंने देखें ये वाला बंद दे दिया। फर्स्ट टाइम जब बुक नहीं आई थी, पहला बंद इन्होंने क्या दिया था, जो करेगा इम्तियाज रंगो खून मिट जाएगा, तुर्क खरगाही हो या अरबी वाला गौहर, नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू माने खाके रह गुजर। इसमें बहुत बड़े बड़े पैगाम दिए गए हैं मुसलमान नौजवानों को और मुसलमान मत मुस्लिमा को, अहम बंद था ये, तो ये मैंने इनको दिया था और इन करना ऐसा हुआ इत्तेफाक के यही आ गया। चले ये बरसात का तमाशा की रिविजन हो गई, बातें दुनियाए इस्लाम की तरफ, अब किताब बंद कर दें। दुनियाए इस्लाम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल किस सन में पैदा हुए? अच्छा, कायदे आजम का है सन 1876, इनका है 77, ठीक है, यानी ये एक साल छोटे थे कायदे आजम से, एक साल छोटे थे, बाद में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 1876 किसका है, 1877 किसका है, तो उसमें ये जहन में रखिएगा कायदे आजम एक साल बड़े थे अल्लामा इकबाल से, ठीक है, उनका एक साल पहले पैदाइश हुई थी 1876 में, इनकी हुई थी 1877 में। इनकी वफात कब हुई थी?
1938 बिफोर पार्टीशन 1938 पैदा बाद में हुए थे, इंतकाल पहले हुआ था इनका। कायदे आजम का 1948 में हुआ था और इनका हुआ था 1938 में, यानी 10 साल पहले, पूरे 10 साल पहले इनका इंतकाल हुआ कायदे आजम से। इनके वालिद का नाम क्या था? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद शेख मशहूर है, इनके वालिद का नाम भी शेख नूर मोहम्मद। पैदा कहाँ हुआ ये तो पता है, वो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुआ? सियालकोट में। अच्छा, एमए की डिग्री किस कॉलेज से हासिल की? नहीं, एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। सियालकोट से उन्होंने एफए किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया, इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान दिया, पास किया, जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी, इसीलिए इनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, इन्होंने पीएचडी की थी, तो डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल इनका नाम है। और जब वापसी आए तो लाहौर में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली और पेशे के तौर पे बैरिस्ट्री का पेशा अपनाया, यानी वकालत का पेशा। इनकी मशहूर किताबें हैं बहुत सारी, चार के नाम बताएं। बांगे दरा, जरबे कलीम, बाले जिब्रेल, अरमाने जाज, शिकवा, जवाब शिकवा। हाँ, ये मतलब किताब का नाम ही था इनका। अच्छा, दूसरे ये कि ये उर्दू में थी, फारसी की भी इन्होंने बहुत शायरी की है, बहुत ज़्यादा फारसी में उबूर था इनको, इस ज़बान में भी फारसी की शायरी भी है, लेकिन ये जो किताबें हैं ना ये सब उर्दू की हैं। इनसे ये चार किताबें उर्दू की कलाम पर मुश्तमिल है, बांगे दराए ज़रबे कलीम, बाले जिब्राइल और अरमगाने हिजाज़। बाज़ का फारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था बाद के आने वालों ने, लेकिन लिखी इन्होंने फारसी में थी। अच्छा, अल्लामा इकबाल कानून दान थे, सियासतदान थे, सूफी भी थे, तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत भी थे। इसके अलावा एक और वजह शोहरत है इनकी, वो क्या है? वो तो तसव्वुरे पाकिस्तान पेश नहीं, इसके अलावा इनको और इनकी क्या क्या शायरी, इन्होंने शायरी कौन सी करते थे, कौमी शायरी इनकी पहचान है, इन्होंने सारी शायरी इनकी कौमी शायरी पर मुश्तमिल है। चलें दुनियाए इस्लाम, मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों जरूरी है? मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों जरूरी है? तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे, कुरान और सुन्नत पर चलते रहे, तब तक उरूज पर रहे। जैसे ही उन्होंने इत्तेहाद छोड़ा, कुरान और सुन्नत को छोड़ा, पस्ती की तरफ आ गए, रूबा जवाल हो गए। इत्तेहाद इस आज भी जो है इत्तेहाद मुसलमानों में इंतहाई ज़रूरी है कि मिल्लत इस्लामिया एक होगी तो ही वो दीगर मज़ाहिब का मुकाबला कर सके। अगर इनमें आपस में ही इत्तेफाक नहीं होगा, मिल्लत इस्लामिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनमें अगर आपस में इत्तेहाद ना होगा तो वो दीगर मजाहिब के साथ मुकाबला किस तरह कर सकती है? 1.5 अरब तकरीबन मुसलमान है दुनिया में, तकरीबन 6-7 अरब की आबादी है, 5.5-6 है तकरीबन, इतनी है उसमें 1.5 अरब मुसलमान है, लेकिन इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की कमी है, ठीक है। और अगर मुल्की सतह पर भी देखें हम इसको, इत्तेहाद मुसलमानों में अगर मुल्की सतह पर भी देखें तो भी हम लोगों ने फ़िरका बंदी में पढ़कर फ़िरके बना लिए हैं,
और फिर ताअसुबबाजी आ गई है। जब फिरके बना लेते हैं ना, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, देवबंदी है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, इतने सारे फिरके बना लिए हैं, फिर वो जो है एक मिल्लत इस्लामिया बनकर किसी से नहीं लड़ सकते। फिर वो फिरकाबंदी में पड़ जाते हैं, टोलियों में, ग्रोहों में बढ़ जाते हैं। तो इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया में इंतहाई ज़रूरी है, मुसलमानों के लिए इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है अगर वो दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करें तो, करना चाहें तो। इम्तियाज़ रंगो खून से क्या मुराद है, जैसे शेर है ना, ये जो करेगा इम्तियाज़ रंगो खून मिट जाएगा, तुर्के खरगा ही हो या अरबी वाला गोहर। हमारा जो दीन है इस्लाम, ये बेस्ट, सबसे बेहतरीन दीन है। ये हमें ये सिखाता ही नहीं कि हम रंगो नस्ल जात पात इसको फोकियत दें। ठीक है, इस्लाम में चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, वो सब एक नज़र से देखे जाते हैं। अगर जिस कौम ने भी ये किया, इम्तियाज़ बढ़ा, कोई भी कौम हो, अगर रंग खून का इम्तियाज़ बढ़तेगी, कि ये खून का मतलब होता है किस नस्ल से है, ठीक है, रंग का मतलब है कि ये काला गोरा या कौन से रंग से ताल्लुक़ रखता है, अगर ये किया तो वो कौम सफ़ाए हस्ती से ही मिट जाएगी, नीस्त तो नाबूद हो जाएगी, उसका उरूज तय है, पक्का है, उसका सॉरी उसका जवाल जो है वो तय है कि वो ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई नाम नहीं होगा दुनिया में। और अगर जो इससे बालातर होकर मज़हब इस्लाम पर चलेगी, मज़हब इस्लाम हमें दर्स देता है कि हम इन सब चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनकर सोचें, तो एक होकर इत्तेहाद अगर हम में हो तो हम उरूज हासिल कर सकते हैं जो हमने हासिल किया था लेकिन अपने हाथों से गवा दिया सदियों पहले। अब ये दूसरा जो मिसरा है ना, तुर्के खरगाही हो या अरबी वाला गोहर, अल्लामा इकबाल इसमें मिसाल देके बोल रहे हैं कि एक दौर था अरबी वाला गोहर, किसे, अरब, सऊदी अरब, यानी अरबी वाला गोहर, यानी अरब का एक दौर ऐसा था कि जिसमें अरब का जो है वो बहुत उरूज था किसी दौर में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई सदी तक अरब का चमकता रहा इस्लाम अरब में। ठीक है, फिर वो अपने, वो भी अब आज के दौर के हिसाब से देखें तो अरब जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है, किस में पड़ गया, वो दौलत में, ऐशोशरत में, अय्याशियों में, ठीक है, और वो नीचे आ गया। शुरू में कई सौ साल तक अरब का जो दौर था और उरूज पर था इस्लाम जो अरब की वजह से, और उसके बाद तुर्के खरगाई खेमों को बोलते हैं, खेम में रहने वाले तुर्क कबीले, जो आजकल ड्रामा भी आ रहा है, वो कैसे उरूज पर थे। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि चाहे वो तुर्के खरगाई हों, खेमे में रहने वाले तुर्क हों, या अरब के रहने वाले कीमती, जो समझे जाते हैं जहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, इस्लाम की रोशनी फैलनी शुरू हुई थी, वो दोनों भी हों चाहे, लेकिन अगर उन दोनों ने भी अगर रंग इम्तियाज़ और नस्ल को जो है इम्तियाज़ किया रंगो खून में, तो वो भी कौमें तबाह हो जाएंगी, अगर उन लोगों ने भी अब भी किया या करती किसी दौर में, लेकिन उन्होंने नहीं किया था इसलिए वो उरूज पर थी। 600 साल तक उन्होंने हुकूमत की, 3 बर्रज़मों पर हुकूमत की, सिर्फ इस वजह से कि वो एक होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे, दीन और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले, कुरान पर चले, उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, उस पर चलने वाले फिर उरूज हासिल करते हैं। जो आज मुसलमानों का जवाल है वो इसीलिए है कि हम कुरान से दूरी है और इस्लाम से दूरी है, इनसे दूरी से हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार के अपने आप को खुद खाई में गिरा दिया है। अच्छा, अल्लामा इकबाल के इन अशार में मुस्लिम मिल्लत के लिए क्या पैगाम है, जितने भी अशार हैं दुनिया इस्लाम के, इसमें मुस्लिम मिल्लत के लिए क्या पैगाम है, जब भी बताया है मैंने थोड़ा बहुत इसी को डिफाइन कर, एक पैगाम दिया है उन्होंने, एक दर्ज दिया है इस नज़्म के। अल्लामा इकबाल की पूरी शायरी जो है ना वो इस्लामी शायरी, मिल्ली शायरी कहलाती थी, और उन्होंने शायरी के ज़रिए लोगों को उभारा था किसी तरह। ये फिर से जो है वो अपना 1938 में उनका इंतकाल हुआ था, और 1913 जो था ना वो उनका दौर उरूज का दौर था, जब शायरी उनकी बड़ी उरूज पर थी,
इससे जो भी पढ़ता था इनकी शायरी, आज के दौर की तरह नहीं, आजकल तो कोई शायरी ही नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता आजकल तो शायरी में इंटरेस्ट ही नहीं नौजवानों को, ठीक है। पहले के दौर में शायरी पढ़ी जाती थी, बहुत समझी भी जाती थी, तो इनकी शायरी जब पढ़ी जाती थी तो इससे बड़ा जज्बा उभरता था मुसलमानों का। क्या कहा गया इस पूरी नज़म में, मिल्लत के लिए क्या पैगाम दिया उन्होंने? फिरका वारियत में जब पड़ गए, तासुबाजी में पड़ गए, इम्तियाज रंगो नस्ल में पड़ गए, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, तो फिर वो रूबा जवाल हो गए। ये इसमें पैगाम है कि अब भी, लामा इकबाल ने अपने दौर में जब ये शायरी की थी तो कहा था कि अब भी मौका है कि दोबारा से, अब जो जवाब शिकवा शिकवा पढ़ रहे थे हम, उसमें भी यही है। हर जो शायरी उठा के देख लें आप, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। इसमें भी, इसकी भी पूरी ये वाली किताब की आप शायरी उठा के, उनकी टोटल जितनी भी नज़में हैं, जितनी भी शायरी है, वो इसके गिर्द घूमती है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी देखें, इनका तारुफ जब लिखा हुआ है ना, तो इनका खसूसियात में कहते हैं, वो ना सिर्फ अच्छे कानूनदान थे, सियासतदान भी थे, सूफी भी थे, सूफीज़म था उनके में। सूफीज़म क्या कहते हैं, अल्लाह और रसूल से, कुरान से इश्क जिनको होता है ना, तो उनकी शायरी में भी वही नज़र आता है। सूफीज़म था, तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत थी, कौमी शायर भी थे, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान, सीरत और तारीख़ इस्लाम का गहरा जो मुताला किया, उनको इतनी मैदान फ़िक्र में, उनको इतनी वसअत दी इन चीज़ों ने, उनको शौक़ था, ये इस तरह के अल्लामा भी कहलाते थे, अल्लामा डॉक्टर इकबाल, तो उन्होंने कुरान और सीरत का बहुत बारीक बीनी से मुशाहिदा किया था, और तारीख़ इस्लाम का। तो जो वो अभी हम देख रहे थे ना, उसमें जवाब शिकवा में शेर आया था ना, मैंने आपको उसमें बताया था कि हम शाने कई काई देते हैं, तो काई उसी कबीले को कहा है जिसका आजकल चर्चा है। वो शेर उठाइएगा किताब जरा, 8 की शेर उन्होंने लिखा था और मिसाल दी थी। ये जवाब शिकवा अल्लाह की तरफ से जो है जवाब था मुसलमानों के लिए। जब इन्होंने शिकवा लिखी थी ना अल्लामा इकबाल ने, तो हिंदुस्तान में बड़ा वावेला मचा था, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। रियलिटी में बता रही हूँ, हकीकत में सब लोग उठ गए थे हिंदुस्तान के, मुसलमान हिंदुस्तान के, कि अल्लामा इकबाल ने क्या लिख दिया, शिकवा किया अल्लाह से, शिकवा अल्लाह से, शिकवा तो किसी तौर पे जायज़ ही नहीं है। तो इन्होंने उसके जवाब में ना जवाब शिकवा लिखी थी कि अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने फर्जी तौर जैसे होता है ना, ये एक शेर देखें आप इसके अंदर बड़ा, कोई काबिल हो तो हम शाने काई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने काई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से ऐसे उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुसलमान तो ऐसे हो कि तुम खुद इसके जिम्मेदार हो, अपनी जवाल के अपने खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम काबिल होते, इस काबिल होते और कुरान सुन्नत पे चले होते, तो हम तुम्हें काई कबीले जैसी शान अता करते। अल्लाह फरमा रहे जैसे काई कबीले को शान मिली थी, और उसने इतने 100 साल तक, 600-700 साल तक उसने हुकूमत की थी, 3-3 बर्रे आजमों पे, तो ऐसी शान भी हम देते हैं क्योंकि उन्होंने कुरान और सुन्नत को फॉलो किया था, उसके पीछे चले थे। और जो नई नई दुनिया ढूंढता है और इस तरफ आता है, इस दुनिया की तरफ आता है, मज़हब इस्लाम की तरफ, तो हमें से और नेमतें और राहतें अता करें। ये उन्होंने अपनी जवाब शिकवा में कहती। तो जितनी भी इनकी शायरी उठा के देखें आप, उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी, मिल्ली जो है मोहब्बत का इजहार होगा, मिल्ली शायरी इनकी ज़्यादातर। ये वाला शेर इसकी तशरीह है, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। हिकमते मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। चले क्लास अब खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 10 मिनट्स
اسلامیات کی کلاس ہوگی، اس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.